हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे ब्लैडर के बारे में। फाइव नंबर आपको याद होगा, लीफ ब्लैडर लिखा हुआ था। अब देखिए इस लीफ ब्लैडर को, ये भाग कहलाएगा और इस पर लगा हुआ जो हेयर है ये कहलाएगा ट्रिगर हेयर। ये ट्रिगर हेयर होगा और कुछ सेंसिटिव हेयर्स लगे हुए रहेंगे, इसको कहेंगे आप सेंसिटिव हेयर्स। इसमें भी बेसल पोर्शन पर आपको डायस्टिक ग्लैंड सेल्स मिलेंगे। तो डायस्टिक ग्लैंड सेल्स सेक्रेट डायजेस्टिव ग्लैंड सेल सेक्रेट पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब इस होकर के जैसे ही वाटर फ्लिया या डैफनिया, ये इंसेक्ट है जो वाटर में रहता है, इंसेक्ट ये जैसे ही इसके अंदर आएगा ये बहुत बंद हो जाएगा और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा पेप्सिन नाम के एंजाइम के द्वारा। तो आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो यूट्रिफ्लेविया है, जो एक रूटलेस एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इसके अलावा भी आपको मिलेंगे ब्लैडर, जैसे पूछा गया ब्लैडर इन ग्रुप, ब्लैडर इन ग्रुप कहाँ होगा, तो आंसर सारा सेनिया होगा। सारा सेनिया भी एक इंसेक्टिवरस प्लांट्स है। आप देखिए जब पीचर प्लांट की बात कर रहे थे तो पीचर प्लांट में जो ब्लैडर है वो सिंगल है, एक एक ब्लैडर एक जगह होगा, और ये जो प्लांट है सारा सेनिया इसमें ढेर सारे ब्लैडर एक जगह से निकलेंगे और इसके ब्लैडर का साइज निपेंथिस के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। हम लोग बात कर रहे थे निपेंथिस के बारे में, पीचर प्लांट। निपेंथिस पर क्वेश्चन आता है कि ये एक एंडेंजर्ड प्लांट है, लगभग समाप्ति पर है, तो आप इसको कहेंगे एंडेंजर्ड प्लांट। ये एक एंडेंजर्ड प्लांट है, एक क्वेश्चन आता है एंडेंजर्ड प्लांट। इसके अलावा हम एक डिस्टिडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें डिस्टिडिया का, तो डिस्टिडिया एक ऑर्किड है या ऑर्किड है, और इसमें जो ब्लैडर बनते हैं वो इंसेक्ट को इंगल्फ करने के लिए ब्लैडर यहाँ नहीं बनते हैं। यहाँ का जो ब्लैडर होता है उसका काम होता है रेन वाटर को अपने में क्या करना, स्टोर करना। इसमें होते हैं ब्लैडर फॉर स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। इसमें जो ब्लैडर है उसका काम इंसेक्ट को इंगल्फ करना नहीं है, जबकि सिर्फ वाटर को स्टोर करना है। जितने भी इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं सब नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल या नाइट्रोजन डेफिशिएंट वाटर में ग्रो करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इंसेक्टिवरस प्लांट्स इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर ग्रोन इन, इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर प्रेजेंट इन अ नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल।
to fulfill the deficiency of nitrogen, it engulfs insects. इंसेक्ट्स को ये खाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सिक्स नंबर पर हम लिखने जा रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर के बारे में। रूट लाइक स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें एक्वेटिक ट्रेडोफाइट का, पानी में रहने वाले ट्रेडोफाइट मार्सिलिया अजोला साल्गिनिया, तीन प्लांट है। इसमें से अगर हम साल्गिनिया की बात करें तो साल्गिनिया में कुछ लीफ मॉडिफाई होकर के रूट लाइक हो जाते हैं और वाटर को अब्सॉर्ब करने लगता है। तो फ्यू लीव्स मॉडिफाइड इनटू रूट लाइक स्ट्रक्चर, in Salvinia, and Salvinia is aquatic pteridophyte, पानी में रहने वाला pteridophyte है ये। आप देखिएगा आपने एनसीईआरटी के बुक में प्लांट किंगडम में Salvinia का डायग्राम दिया हुआ है। आप उसमें जो कुछ लीव्स आप ऊपर में देखिएगा और नीचे का जो कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर देखिएगा, ऐसे ऐसे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली लीफ है। याद रखना है कि नीचे का जो स्ट्रक्चर है जो लीफ लाइक दिखलाई दे रहा था वो हकीकत में कुछ लीफ जो है वो मॉडिफाई होकर के क्या हो गया है, रूट लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर गया है। इसलिए लीफ ही चेंज हुआ है किसमें, रूट लाइक स्ट्रक्चर में। सेवन नंबर पर फ्लेसी स्कली लीव्स, फ्लेसी स्कली लीव्स, अब याद कीजिए ये फ्लेसी स्कली लीव्स कहाँ खाते हैं आप, तो आंसर है एडिबल इन ऑनियन, प्याज में आप खाते हैं, गार्लिक में आप खाते हैं बल्बलेट, गार्लिक में आप छोटे छोटे बल्बलेट खाते हैं, वो भी फ्लेशी स्कली लीफ है क्योंकि इसमें स्टोरेज ऑफ फूड है, इसलिए लीफ क्या है फ्लेशी है। रिप्रोडक्टिव लीफ, अगर हम एट नंबर की बात करें रिप्रोडक्टिव लीफ की बात करें, अगर रिप्रोडक्टिव लीफ आपको काम मिलेगा ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम में आपको मिलेगा, दूसरा सेंसेबेलिया, स्नेक प्लांट इसको कहा जाता है, और एडियंटम वॉकिंग फर्न, एडियंटम को कहा जाता है वॉकिंग फर्न। अब इस ब्रायोफिलम को आप देखिए, ब्रायोफिलम का लीफ थिक होता है और उस लीफ के मार्जिन पर आपको बड मिलेगा जो नए नए प्लांट को ग्रो करवाएगा या फिर अपेक्स पर होगा। जैसे ये लीफ सॉइल की तरफ आएंगे इसमें बड आना शुरू हो जाएगा, अब इस बड से नया प्लांट बन जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे आप रिप्रोडक्टिव लीफ। एडियंटम को देखिए, एडियंटम में क्या होगा कि जो लीफ लोअर है, जो लोअर नोड से जो लीफ ग्रो किया है उसका टिप अगर सॉइल को टच कर जाए तो वहां से नया प्लांट बन जाएगा, तो लीफ टिप प्रोड्यूस न्यू प्लांट, लीफ टिप प्रोड्यूस न्यू प्लांट After touching soil surface,
After touching soil surface, जैसे ही सॉइल सरफेस को टच करेगा नया प्लांट बना देगा। सेंसिबिलियम में क्या होगा? लीफ कट। अगर आप लीफ का एक टुकड़ा ले लेते हैं, लीफ कट, पीस ऑफ लीफ, लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा, इससे नया प्लांट बन जाता है। एक न्यू प्लांट आप इससे बना सकते हैं लीफ कट के द्वारा। लीफ के बाद जो हम लोग का टॉपिक है वो है इनफ्लोरेसेंस। तो हम लोग इनफ्लोरेसेंस में आ जाए, देखें इनफ्लोरेसेंस को। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो एक्जिला से निकलते हैं और एक ही होते हैं, सिंगल फ्लावर होते हैं। इसको कहते हैं सॉलिटरी एक्जिलरी, इसको कहेंगे आप सॉलिटरी एक्जिलरी। एक है तो वर्ड आएगा सॉलिटरी, एक्जिला से निकला है इसलिए वर्ड आएगा एक्जिलरी। चाइना रोज एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? चाइना रोज। या फिर टर्मिनल, अगर फ्लावर टॉप पर लग जाए तो आप इसको कहेंगे सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी टर्मिनल। और देख लीजिए वो एक फ्लावर है, तो एक फ्लावर में प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है? तो प्रॉब्लम आएगा जब उसमें पॉलिनेशन की बारी आएगी। सिंगल फ्लावर में दूर से पॉलिनेटर जब तक नहीं आएंगे तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि ढेर सारे फ्लावर एक ही एक्सिस पर आकर के अरेंज हो जाए, बहुत सारे फ्लावर एक ही एक्सिस पर अगर आकर के अरेंज हो जाए, यहाँ पर पॉलिनेशन क्या है? आसान है। सो इनफ्लोरेसेंस एनसीयू पॉलिनेशन, बहुत आसानी से यहाँ पर ये क्या करा सकता है? पॉलिनेशन करा सकता है। एक फ्लावर का पॉलिनेशन आसानी से दूसरे तक पहुंच सकता है। सॉलिटरी कंडीशन में पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब यहां देखा जाए जिस एक्सिस पर ये फ्लावर अरेंज हुए हैं, ये फ्लावर है अगर, उसका स्टॉक कहलाएगा पेडिसेल। और सारे पेडिसेल मिल करके जिस एक्सिस को तैयार किया है इसको कहेंगे पेडंकल। इस पेडंकल का केवल वो पार्ट जिस पर फ्लावर लगा हुआ है, अब देख लीजिए इस टॉप फ्लावर से लेकर बेस वाले फ्लावर तक का जो हिस्सा है 1 2 3, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक आप इसको कहेंगे, यानी डॉटेड लाइन से अगर हम इसको इंडिकेट कर दें कितने दूर तक का एक्सिस फ्लावर को अपने ऊपर रखे हुआ है, तो पेडंकल का वो पार्ट जिस पर फ्लावर लगा हुआ है आप उसको कहेंगे रैचीज। तो रैचीज जो है वो पेडंकल का ही पार्ट है। तो पेडंकल पर फ्लावर अगर लगा हुआ है तो जितने हिस्से पर लगा हुआ है उसको आप कहेंगे रैचीज। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर और फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ऑन द फ्लोरल एक्सिस। और ये पेडंकल ही फ्लोरल एक्सिस है, ये समझना होगा यहाँ का फ्लोरल एक्सिस कौन है, तो आंसर क्या होगा? पेडंकल। तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं इनफ्लोरेसेंस का, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस कॉल्ड, इसको बोलेंगे आप इनफ्लोरेसेंस, इसको आप इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। अब हम
इन्फ्लोरेसेंस को डिवाइड करें अगर हम लिखें इन्फ्लोरेसेंस इसको पहले हम लोग डिवाइड कर लें पहला नाम आएगा सिंपल इन्फ्लोरेसेंस सिंपल इन्फ्लोरेसेंस इसमें क्या होगा पेडंकल अनब्रांच्ड होगा पेडंकल अनब्रांच्ड पेडंकल में ब्रांचिंग नहीं होगा दूसरा होगा कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में पेडंकल ब्रांच्ड होगा इसके अलावा होगा स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस एंड मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस इतने प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके पेडंकल जो होंगे वो क्या होंगे अनब्रांच्ड होंगे पेडंकल में कोई ब्रांचिंग नहीं होगा अब इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लें एक होगा रेसिमोस दूसरा होगा साइमोस रेसिमोस एंड साइमोस अब रेसिमोस साइमोस में देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है रेसिमोस में मेन एक्सिस पर ये टिप जो है टिप इस पर फ्लावर नहीं होगा तो मेन एक्सिस का ग्रोथ होता रहेगा और ब्रांच जो होंगे ऊपर वाला ब्रांच शॉर्ट होगा नीचे वाला ब्रांच लॉन्ग होगा और इसके कारण शेप जो होगा वो कोनिकल होगा तो हम इसको कहेंगे कोनिकल शेप ये तो फ्लावर है सब में अभी हमने पेडिसेल लगाया है इसलिए हम इसको कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर पेडिसिलेट फ्लावर लेकिन अगर हम पेडिसेल ना लगाएं डायरेक्ट फ्लावर लगाएं ऊपर का फ्लावर छोटा जितना नीचे आएंगे वो फ्लावर क्या होता जाएगा साइड में बड़ा होता जाएगा और ये ब्रैक्ट लगा रहे हैं आप देख रहे हैं ब्रैक्ट से निकला हुआ ये फ्लावर ब्रैक्ट के एक्सिस में एक्सिला में कहिए ये फ्लावर लगा हुआ है तो हम ऐसे दिखलाएंगे कि इसको कहेंगे ससाई फ्लावर क्योंकि इसमें स्टॉक नहीं है ससाई फ्लावर है तो शेप हो गया कोनिकल और ऊपर का ब्रांच क्या है शॉर्ट नीचे वाला क्या है लॉन्ग तो आप इसको कहेंगे एक्रोपिटल ऑर्डर एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर फ्लावर जो होगा उसका अरेंजमेंट कैसा होगा एक्रोपिटल होगा टिप पर कोई फ्लावर नहीं है इसलिए इसका इंडेफिनेट ग्रोथ होगा ये अगर हम फर्स्ट पॉइंट मान लें तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा और थर्ड पॉइंट होगा देयर इज नो फ्लावर एट द टिप तो आप इसको क्या कहेंगे इंडेफिनेट ग्रोथ तो हम कह सकते हैं इंडेफिनेट ग्रोथ होगा इसका जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा इंडेफिनेट ग्रोथ होगा तो याद रखना है कि कैरेक्टर आएंगे किसके लिए सिमोज सैगोज के केस में क्या हो जाएगा टिप पर फ्लावर आ जाएगा ऊपर वाले ब्रांच बड़े बड़े होंगे नीचे वाले ब्रांच छोटे छोटे होंगे और इसलिए शेप डोम शेप्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा डोम शेप और देखिए ये हो गया लॉन्ग ब्रांच या कहिए लॉन्ग पेडिसेल या लॉन्ग फ्लावर ये हो गया शॉर्ट तो ये लॉन्ग क्या हुआ अपर और शॉर्ट हो गया
लोअर, शॉर्ट क्या हो गया, लोअर हो गया। तो इस अरेंजमेंट को आप कहेंगे वेसिकुलर। तो ये हो गया डोम से फर्स्ट, दूसरा बी पॉइंट हो गया वेसिकुलर अरेंजमेंट, वो एग्रोपिटल अरेंजमेंट है। ये क्या हो गया वेसिकुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, वेसिकुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। और सी वाले पॉइंट पर लिखेंगे देयर इज अ फ्लावर हैड अ टिप, और इसलिए हो जाएगा डेफिनेट ग्रोथ, इसका ग्रोथ डेफिनेट होगा, इसका ग्रोथ इनडेफिनेट नहीं हो सकता, इसका ग्रोथ कैसा होगा डेफिनेट ग्रोथ, तो नाम होगा साइगोट। अब जरा फिर से एक बार देख लीजिए बेसिक डिफरेंस क्या होगा, रेसिनोज में शेप होगा कोनिकल, साइगोट में शेप होगा डोम शेप गुंबज के जैसा। इसमें ऊपर वाला जो फ्लावर है उसके जो स्टॉक होंगे डंठल होंगे या फ्लावर जो होगा वो छोटा होगा नया होगा, नीचे वाला फ्लावर बड़ा होगा और पुराना होगा ओल्ड होगा। इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहेंगे एक्रोपिटल। अगर ऊपर का फ्लावर ओल्ड हो और बड़ा हो लार्ज हो, नीचे का फ्लावर न्यू हो और स्मॉल हो, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहेंगे वेसिकुलर। तीसरा, इसके एक्सिस पर कोई फ्लावर नहीं है इसलिए ये लगातार थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता रहेगा, तो आप इसको कहेंगे इनडेफिनेट ग्रोथ। लेकिन इसके टिप पर फ्लावर आ गया है, अब ये ग्रो नहीं कर सकता है ऊपर, इसलिए आप इसको कहेंगे डेफिनेट ग्रोथ। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइगोट। याद रखना है कि रेसिमोज और साइगोट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमने आपको बताया। अब अगर हम रेसिमोज के बारे में बात करें, लिखेंगे रेसिमोज, रेसिमोज में तीन पार्ट होगा, मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड, मेन एक्सिस यानी जिसको आप कहेंगे डैचिस, जिसका डैचिस क्या होगा लंबा होगा या पेडेंटल लंबा होगा, मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड। दूसरा होगा मेन एक्सिस शॉर्टेड, मेन एक्सिस शॉर्टेंड, और तीसरा होगा मेन एक्सिस शॉर्टेंड एंड फ्लैटेंड, मेन एक्सिस शॉर्टेंड एंड फ्लैटेंड। मेन एक्सिस शॉर्टेंड एंड फ्लैटेंड, ये हम इसको डिवाइड किया है सिमोज को। तो पहले देखिए मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड में सबसे पहला नाम आएगा रेसिम, और रेसिम का एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड सरसों। और आप जानते हैं कि येलो कलर का फ्लावर होता है मस्टर्ड में, और जितना नीचे आएंगे उतना फ्लावर का जो स्टॉक है वो लंबा होगा और पुराना फ्लावर होगा ओल्ड फ्लावर, ऊपर में क्या लगा हुआ है न्यू फ्लावर। शेप आप देख लीजिए कोनिकल है, तो हम कहेंगे पेडिस्केट फ्लावर्स आर एग्रोपिटली अरेंज्ड। पेडिस्केट मींस स्टॉक वाला जिसमें पेडिसिल है, पेडिसिलेट फ्लावर्स आर एग्रोपिटली अरेंज्ड, एग्रोपिटली अरेंज्ड। अगर ये एग्रोपिटली अरेंज्ड है तो नाम क्या हो जाएगा रेसिम। दूसरा होगा स्पाइक, इसमें ससाइल फ्लावर अरेंज होंगे, हम लोग कहेंगे ससाइल फ्लावर्स आर एक्रोपिटली अरेंज्ड। तो
दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, इसके फ्लावर में स्टॉक है, इसके फ्लावर में स्टॉक नहीं होगा। इसके लिए एग्जांपल होगा एमरेंथस, जिसको आप कहते हैं लाल साग। एमरेंथस लाल साग के नाम से आप इसको खाते हैं, लाल साग खाते होंगे आप। ये एमरेंथस है, इसके फ्लावर को आप देखिए, ऊपर का जो फ्लावर है वो छोटा है, और नीचे आएंगे तो उससे बड़ा होगा, और नीचे आएंगे तो उससे बड़ा होगा। रेड कलर का फ्लावर यहाँ भी लगा रहता है, सब ब्रैक्ट है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये ब्रैक्ट है। इसमें ससाई फ्लावर एग्रोपिकली अरेंज है, इसलिए इसका नाम होगा स्पाइक। नाउ नेक्स्ट, थर्ड स्पाइकलेट। स्पाइकलेट, अब स्पाइकलेट में क्या होगा, स्पाइकलेट के लिए एग्जांपल आएगा, जितना भी सीरियल्स है वहां आपको मिलेगा। इसमें जो पहला होगा वो ब्लूम्स होगा, आपको याद है ब्लूम्स, फर्स्ट एपिटी ब्लूम्स है। ब्लूम्स आर मॉडिफाइड ब्रैक्ट। ब्लूम्स क्या होता है, ब्रैक्ट होता है, तो याद रखना है। फर्स्ट एम्प्टी, एम्प्टी मींस खाली, फर्स्ट एम्प्टी ब्लूम्स। दूसरा है सेकंड एम्प्टी ब्लूम्स, क्योंकि इसके एक्सिस में कोई फ्लावर नहीं है, इसलिए सेकंड एम्प्टी हो गया, सेकंड एम्प्टी ब्लूम्स। अब देखिए तीसरा वाला जो ब्लूम्स आ रहा है, वहां से फ्लावर निकला हुआ है, ये हो गया लेमा, फ्लावरिंग ब्लूम्स हो गया। और लेमा के अपोजिट साइड से जो लगा रहेगा उसको कहेंगे पैलिया। तो ऑल ब्लूम्स लेमा एंड पैलिया आर मॉडिफाइड ब्रैक्ट। ब्लूम्स लेमा एंड पैलिया, ब्लूम्स लेमा एंड पैलिया ऑल आर मॉडिफाइड ब्रैक्ट। और ये है लॉडिक्यूल, एंड लॉडिक्यूल इज मॉडिफाइड पेरियंट, आई मीन टेपल। पेरियंट का यूनिट हम आपको टेपल बताए थे, मॉडिफाइड पेरियंट बताए थे। जब सेपल पेटल एक जैसा हो जाता है देखने में तो उसको क्या कहते हैं, पेरियंट। और सेपल पेटल ही यहाँ पर लॉडिक्यूल के रूप में नजर आ रहा है आपको, जिसके यूनिट को आप कहते हैं टेपल, जो पेरियंट है। ये भी बताया थे आपको वर्सेटाइल एंथर, बताया थे हवा में जो एंथर लोग स्विंग करेगा उसको क्या कहेंगे, वर्सेटाइल एंथर, याद रखना है। ये वर्सेटाइल एंथर हो गया, वर्सेटाइल एंथर। और ये हो गया फेदरी स्टिग्मा, पंख के जैसा, फेदर के जैसा। तो ये हो गया फेदरी स्टिग्मा। भिविया क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं, वर्सेटाइल एंथर एंड फेदरी स्टिग्मा किस में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीरियल्स हो जाएगा। आपको याद होगा राइस, व्हीट, मेज, सीरियल्स होता है, तो वहां पर आपको मिलेगा स्पाइकलेट, जिस फैमिली को आप कहते हैं ग्रैमी या कोएसी फैमिली। ये हो गया स्पाइकलेट। स्पाइकलेट के बाद क्या आएगा, कैटकिन और एमेंटम, कैटकिन या एमेंटम। इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा मोरस, आई मीन मलबेरी, सहतूत। मलबेरी में क्या होगा, देखिए इस सब में फ्लावर क्या है, ससाइल है, किसी भी फ्लावर में स्टॉक नहीं है, सब फ्लावर क्या है, ससाइल है। इसको हम मॉडिफाइड स्पाइक बोल सकते हैं, मॉडिफाइड स्पाइक, इसको भी बोलेंगे मॉडिफाइड स्पाइक। सब में ससाइल फ्लावर है, इसलिए ऐसा नाम दिया जा रहा है। अब मलबेरी में क्या होगा कि एक एक्सिस
होगा और एक्सिस पर जितने भी फ्लावर होंगे या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। याद रखना है कि या फ्लावर या तो मेल होगा, मेल के लिए सिंबल देते हैं हम लोग और फीमेल के लिए ऐसा सिंबल याद होगा। तो याद रखना है कि मेल या फीमेल फ्लावर्स इस पर मौजूद होंगे एक्रोपिटल एक्सिस के रूप में। ये दिखलाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं यहाँ टिप पर कोई फ्लावर नहीं है इसलिए ये रेसिनोज है। तो हम लोग इसको बोलेंगे व्हेन यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन पेंडुलस एक्सिस। पेंडुलस मीन्स हवा में क्या करेगा, ये हैंग करेगा, लटकेगा और हिलेगा। पेंडुलस एक्सिस, तो आप ये नाम देंगे इसका कैप्टन और एमेंटर। नेक्स्ट आएगा स्पेरिक्स। फाइव नंबर स्पेरिक्स, स्पेरिक्स में एग्जांपल आएंगे मेज, कोलोकेशिया और बनाना। तीनों में स्पेरिक्स होता है इन्फ्लोरेसेंस, ये भी मॉडिफाइड स्पाइक होगा, इसमें भी सेसाइल फ्लावर होंगे। मॉडिफाइड स्पाइक, अब हम कोलोकेशिया के फ्लावर को यहां पर दिखाना चाहेंगे। मेज में आप कॉव देखे होंगे, याद कीजिए मक्का के प्लांट से लगा हुआ कॉव, जो मक्का का भुट्टा जिसको कहते हैं आप, वो देखे होंगे आप ऐसा ऐसा लगा हुआ ऊपर से जो कवर होता है लगा हुआ मक्का के भुट्टा पर, यही सिल्की स्टाइल है, लॉन्गेस्ट स्टाइल एंड स्टिग्मा मेज के लिए। और ये जो कॉव है ऊपर से जो स्पेज होता है जिसको हम लोग उखाड़ते हैं हटाते हैं मेज में, बनाना के केस में ये रेड कलर का आपको नजर आता होगा। कोलोकेशिया में देखिए एक अपेंडिक्स होता है और अपेंडिक्स के नीचे ऊपर में मेल फ्लावर लगे रहते हैं सारे, बीच में कुछ न्यूटर फ्लावर लगे रहते हैं और सबसे नीचे में लगे रहते हैं फीमेल फ्लावर। ऊपर में फ्लावर मेल है, मेल के लिए सिंबल है, नीचे में फीमेल फ्लावर है, बीच में न्यूटर फ्लावर है और सबको एक स्पेट कवर किए हुए रहता है। स्पेट ये अपेंडिक्स है जो बाहर निकला हुआ रहता है और ये एक्सिस पर ये सारे फ्लावर लगे हुए हैं, दिख रहे हैं ये स्पेट हो गया। और आपको स्पेट के भी बारे में बताया कि स्पेट ही मॉडिफाइड ब्रैक्ट, ये भी मॉडिफाइड ब्रैक्ट होता है।